नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जब भी खुफिया एजेंसियों की बात होती है तो दुनिया में रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA का डंका बजता रहता है। बात अगर रूस की करते हैं तो KGB का नाम सबसे पहले आ जाता है, लेकिन दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रो की बात करते हैं तो आपने शायद बहुत कम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अगर आप रो के ऑपरेशंस को जानते हैं तो पता चलेगा कि ये खुफिया एजेंसी बाकी एजेंसियों के मुकाबले कहीं आगे निकल गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि रो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड तक को भी नहीं छोड़ा था, उसे भी रो ने अपना एजेंट बना लिया था। लिहाजा दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो आप रो के बारे में सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों दुनिया के हर देश में नागरिकों, दस्तावेजों और खुफिया बातों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी खुफिया एजेंसी के हाथों में होती है जो बहुत ही शांत लेकिन शातिर तरीके से अपना काम करती है। इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग और उनके तरीके आम लोगों को पता भी नहीं होते हैं। खुफिया संगठन किसी देश के अंदर या बाहर रहकर सभी गुप्त गतिविधियों के बारे में पता लगाते हैं, साथ ही दूसरे संगठनों के साथ मिलकर सूचनाएं जुटाते हैं और देश के खिलाफ होने वाली किसी भी घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। भारत में IB इंटरनल मैटर्स और रो विदेशी खुफिया मामलों को देखता है। ये राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर निगरानी रखती है, जिसमें विदेशी जनता की राय और उसके प्रभाव को भी शामिल किया जाता है। रो आतंकवाद विरोधी और कुछ अन्य कवर ऑपरेशंस के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़े पैमाने पर भूमिका निभाती है। रो की गिनती दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में होती है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब रो इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही थी कि वो दुनिया के बड़े देशों के प्रभावशाली लोगों को भी अपना एजेंट बना लेती थी। रो के इसी तरह के सीक्रेट मिशन के बारे में खुलासा लेखक यतीश यादव ने अपनी किताब रो हिस्ट्री ऑफ इंडीज कोवर्ट ऑपरेशंस में किया है। इस किताब में जो अहम और बड़े खुलासे किए गए हैं वो रूस की खुफिया एजेंसी KGB को लेकर है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी KGB का हिस्सा रह चुके हैं। भारतीय जासूस एजेंसी रो 80 के दशक में रूस की KGB से कई कदम आगे निकल गई थी। ये वो दौर था जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था और पुतिन KGB के सबसे खतरनाक जासूस माने जाते थे। किताबों में दावा किया गया है कि 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रो ने रूस के दो बेहद खास लोगों को अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। रो के इन दोनों सीक्रेट एजेंट्स का उस वक्त की मिखाइल गोर्बाशेव कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे एडवर्ड शेवनदेज और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गहरा कनेक्शन था। इसकी शुरुआत नवंबर 1988 में हुई जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाशेव भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे को लेकर यतीश यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि रो के एजेंट अशोक खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्रे नाम के एक शख्स से होती है। ये रशिया के सबसे बड़े नेता और विदेश मंत्री के छोटे भाई थे जो इस दौरे पर गोर्बाशेव के साथ भारत आए थे। इस दौरे पर गोर्बाशेव के साथ उनके विदेश मंत्री एडवर्ड शेवनदेज भी थे। कुछ महीनों बाद अशोक खुराना के संपर्क में अलेक्जेंड्रे के अलावा एक लड़की भी आई थी जिसका नाम था अनास्तासिया कोर्किया। अनास्तासिया उस वक्त एक एलेक्सी नाम के लड़के को डेट कर रही थी। अशोक खुराना, अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया दोनों के लगातार संपर्क में थे। वैसे रोके इस एजेंट का नाम कुछ और था, लेकिन यतीश ने अपनी किताब में अशोक खुराना का कोडनेम दिया है।
जिन्होंने करीब एक दशक तक चले सीक्रेट ऑपरेशन के लिए सोवियत रूस के दो जासूसों को तैयार कर लिया था। हालांकि किताब में किसी भी व्यक्ति विशेष के असली नाम का खुलासा नहीं किया गया है, सभी को कोडनेम दिया गया है। साल 1979 के आखिरी 6 महीने में अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया कोरकिया दोनों रोके एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जून 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने से कुछ महीने पहले ही खुराना ने अमेरिका और सोवियत संघ की यूनाइटेड जर्मनी के लिए बनाए गए रोडमैप को तैयार कर लिया था। यहां रो ने जिस अलेक्जेंड्रे को एजेंट बनाया था वो कैबिनेट से बड़ी जानकारियां दे रहा था, लेकिन जो लड़की एजेंट बनी वो बेहद खास थी, क्योंकि वो आज के रूसी राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल यतीश यादव ने अपनी किताब में अनास्तासिया कोरकिया के जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है उसका कोडनेम एलेक्सी बताया जा रहा था। बड़ी बात तो ये है कि वो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में किसी बड़े ऑफिसर के पद पर थे। ये खुफिया एजेंसी सोवियत यूनियन की केजीबी की उत्तराधिकारी एजेंसी है, जिसमें साल 2000 में प्रमोटेड होने से पहले एलेक्सी ने 1999 में रूस के मामलों का संचालन किया था। और यही वो वक्त है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करियर से मैच खाता है। पुतिन साल 1998 से 99 में फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के हेड थे और साल 1999 में वो रूस के प्रधानमंत्री बने थे और 2000 में राष्ट्रपति का प्रभार संभाला। यानी दोस्तों मतलब साफ है कि उस समय अनास्तासिया कोरकिया जिस एलेक्सी कोडनेम वाले शख्स को डेट कर रही थी वो कोई और नहीं था बल्कि व्लादिमीर पुतिन ही थे। यानी रोके जासूस ने अपनी काबिलियत के दम पर केजीबी के सबसे पावरफुल इंसान की गर्लफ्रेंड को अपना एजेंट बना लिया था। अनास्तासिया कोरकिया और अलेक्जेंड्रे से मिली खुफिया जानकारियों के बाद ही ऑपरेशन अजेलिया की शुरुआत की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान रो को कई अहम और बड़ी खुफिया जानकारियां मिली थी। अमेरिका और सोवियत का जर्मनी रीयूनिफिकेशन का प्लान, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रूस की योजना, आतंकवाद के खिलाफ उनकी योजना और मॉस्को का चीन और पाकिस्तान की तरफ रुख जैसे कई बड़ी इंफॉर्मेशन भारत को हाथ लगी थी। वैसे दोस्तों रो ने ऑपरेशन अजेलिया को साल 2001 में बंद कर दिया था, लेकिन अशोक खुराना के लिए ये ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर विजय और कुछ विफलता के साथ खत्म हुआ था। विफलता इसलिए क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन खत्म होने के कुछ साल बाद खुराना ने अलेक्जेंड्रिया से 2004 में बर्लिन में मुलाकात की थी, जिसमें अलेक्जेंड्रे आए थे और उन्होंने खुराना की जमकर तारीफ की थी, उनकी पीठ थपथपाई थी। अलेक्जेंड्रे को देखकर खुराना भी बेहद खुश हुए, तभी उनको एक बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि अलेक्जेंड्रे ने चुपके से उनके कान में कहा था कि हम 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले को रोक सकते थे। उनका मतलब था कि अगर वो तब भी रो के लिए काम कर रहे होते तो शायद 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले को नाकाम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या भारत के जिगरी दोस्त रूस की खुफिया एजेंसी को भारत की संसद पर हमले की खबर पहले से लग चुकी थी? सवाल बहुत बड़ा है। खैर, यतीश की किताब में जो दावे किए गए हैं और वो कितने सच्चे हैं और कितने गलत हैं इस पर सिर्फ बात हो सकती है, क्योंकि खुफिया एजेंसी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस पर कभी सफाई देने नहीं आने वाला है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।